जब आप कोई ऐसा वीडियो देख रहे हो जो आपको बहुत अच्छा लगता हो, उसके बीच में ब्रेक। अभी डाउनलोड करें तक ऐप। तो कल तक कांग्रेस के साथ खड़े ज्योतिरादित्य सिंधिया पर पूरी तरह से बीजेपी के रंग चढ़ चुके हैं। कांग्रेस के साथ अब उन्हें रास नहीं आ रहा। वहीं बीजेपी की खूबियां बताते वो थक नहीं रहे। कांग्रेस में सिंधिया के जाने का दर्द साफ दिखाई दे रहा है। खुद राहुल गांधी अपने इस पुराने दोस्त को लेकर भावुक दिखाई दिए। कई सालों की गहरी दोस्ती, कांग्रेस के दो युवा चेहरे, एक जैसे कपड़े पहनने का अंदाज, संसद में साथ साथ बैठना, अब सब कुछ बदल गया है। राहुल गांधी ने सिंधिया के साथ अपनी एक फोटो ट्वीट की, जिसमें राहुल सिंधिया और कमलनाथ साथ नजर आ रहे हैं, जिन्हें राहुल ने कांग्रेस का वॉरियर्स बताया। जब सिंधिया से राहुल के नाम मिलने पर सवाल किया गया तो राहुल का जवाब भी सुन लीजिए। ज्योतिरादित्य सिंधिया इकलौता इंसान है जो मेरे घर में किसी भी वक्त आ सकता है। वो मेरे साथ कॉलेज के वक्त से था। उधर कांग्रेस के एक और युवा चेहरे सचिन पायलट को भी सिंधिया का जाना अखर रहा है। ये दुर्भाग्यपूर्ण है। मुझे लगता है कि पार्टी के अंदर का विवाद सुलझाया जा सकता था। मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी का वो अध्यक्ष बने, मैंने दीपक बावरिया जी से खुद से कहा था, सोनिया जी से कहा था, इनको बना दीजिए, इनको एडजस्ट करके रखना चाहिए, इनका प्रभाव है। और साथ में हम लोगों ने खुद ने प्रपोज किया था इनको डिप्टी चीफ मिनिस्टर बना देना चाहिए। अब इन्होंने स्वीकार नहीं किया तो इसका मैं क्या करूं? और हमारी पार्टी की लीडरशिप ने नहीं बनाया तो इसमें मेरा क्या कसूर है? लेकिन हमारी तरफ से कोई एतराज नहीं था, मेरी तरफ से कम से कम कोई एतराज नहीं था। इट इज द सेम कांग्रेस बट वी थिंक दैट इट इज नॉट द ओल्ड सिंधिया हु फाइट अगेंस्ट द बीजेपी। उधर बीजेपी का हाथ थामते ही ज्योतिरादित्य सिंधिया पूरी तरह से भाजपाई नजर आने लगे। कल तक शिवराज और मोदी सरकार को कोसने वाले सिंधिया अब बीजेपी की तारीफों के पुल बांधने लगे हैं। मैं अपने आप को सौभाग्यशाली समझता हूं कि नड्डा जी ने, प्रधानमंत्री जी ने और अमित शाह जी ने मुझे वो मंच प्रदान किया जिसके आधार पर जनसेवा और राष्ट्र सेवा पर हम लोग आगे बढ़ पाए। लेकिन मन व्यतीत है और मन दुखी भी है, क्योंकि जो आज स्थिति उत्पन्न हुई है, मैं ये कह सकता हूं विश्वास के साथ कि जनसेवा का लक्ष्य की पूर्ति आज उस संगठन के माध्यम से नहीं हो पा रही है। बीजेपी ने भी सिंधिया को पूरी तरह से अपना लिया है, जिनके शामिल होने से मध्य प्रदेश में एक बार फिर कमल खिलने की उम्मीदें जग गई हैं। शायद इसे ही राजनीति कहते हैं, जहां कोई शाश्वत दोस्त नहीं होता और ना ही दुश्मन। कई सालों की दोस्ती टूट चुकी है, दुश्मन अब साथी बन चुके हैं। सिंधिया ने अब बीजेपी की राह पकड़ ली है, राहुल गांधी का दोस्त अब मोदी के साथ है। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओमकश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।